नए सब्जेक्ट पे, जैसे हमने प्रॉमिस किया था कल अपने व्यूअर्स को कि हम अपने एक नए टॉपिक, आज हम एक नया वीडियो और नया लाइव सेशन करें ताकि लोगों को हम आज का हमारा टॉपिक है पेट्स डाइट एंड न्यूट्रिशन। और हम लोगों ने स्पेसिफिकली डिसाइड किया है कि हम लोग डॉग्स एंड कैट्स के डाइट एंड न्यूट्रिशन पे बात करेंगे, जो बेसिकली जो कंपेनियन पेट्स हैं स्पेसिफिकली डॉग्स एंड कैट्स, हम उन उस पर बात करेंगे। डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले आपका परिचय करा दूं अपने व्यूअर्स से। आप डॉक्टर शंकर भी हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं मथुरा वेटरनरी कॉलेज में, और आप हमारी बहुत मदद कर रहे हैं लोगों की कंसल्टेशंस के लिए हमारे थ्रू इस लॉकडाउन में। मैं विनीत हूँ और मैं डॉक्टर पेट से हूँ, और हम कोशिश कर रहे हैं एक टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म क्रिएट करने की, जहाँ पे हम एनिमल हेल्थ केयर को बहुत ही एक्सेसिबल बना पाए, सीमलेसली पेट ओनर्स डॉक्टर्स से टेक्नोलॉजी के थ्रू डिजिटली कनेक्ट हो पाए, ये हमारी एक। तो डॉक्टर साहब वेलकम एंड वी स्टार्ट आवर इंटरव्यू। मेरा थैंक यू। पहला सवाल है डॉक्टर साहब आपसे कि डॉग्स एंड कैट्स, और ये हमारे साथ रहते हैं, इनको हम कंपेनियन एनिमल्स कहते हैं, ये हमसे कितने नजदीक से जुड़े हुए हैं इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजिकली, कि हमारे हाउ क्लोज दे आर टू ह्यूमंस, दैट्स माय एग्जैक्ट क्वेश्चन। जी बिल्कुल सही सवाल है आपका कि हम लोगों के साथ ही रहते हैं और ये हमारी तरह से ये होते हैं कि नहीं, हमारा डाइट जो है इनके लिए है कि नहीं, ये जानना हमारे व्यूअर्स को बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं पहले बता दूं कि डॉग्स और कैट्स दोनों ही का जो ओरिजिन है या एवोल्यूशन है, ये लोग कार्निवोर रहे हैं। लेकिन डॉग्स एंड कैट्स में कुछ डिफरेंस है। डॉग्स का क्या है कि एडेप्टेबिलिटी बाद में चेंज हुई है, और ये एक तरह से कह लीजिए कि कार्निवोर उसको कहते हैं जो सिर्फ मांसाहारी हो, सिर्फ मांस के बिना वो जी नहीं सकता है। और दूसरा जी एक जीव होता है जो कार्निवोर मतलब कि मांस को भी खा सकता है और हमारे साथ रह करके बाकी की चीज़ों को भी खा सकता है, उसे ओमनीवोर कहते हैं। वो हर चीज़ तरह की चीज़ों को खा सकता है। तो ये जो डॉग है ये ओमनीवोर में आता है और ये इसने काफ़ी हद तक एडप्ट कर लिया है कि ये हम लोग जैसा खाना को खा सके और हमारे साथ रह सके। लेकिन कार्निवोर अगर हम लोग कैट की बात करें तो ये स्ट्रिक्ट कार्निवोर होते हैं। ये यानी कि एकदम से स्पेसिफिक स्पेसीज है जो बिना मांसाहार के नहीं रह सकती हैं। यानी कि इनको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इनके शरीर में बनता नहीं है, वो प्री फॉर्म इनको चाहिए ही चाहिए। खासकर अगर हम लोग बात करें तो एक कंपाउंड होता है या अमाइनो एसिड कह लीजिए, टॉरीन, ये इसेंशियल है इनके शरीर के लिए, इनके और ये सिर्फ और सिर्फ मिट जी डॉक्टर साहब, बल होता है, विटामिन ए चाहिए, इसी तरह से अराकिडोनिक एसिड चाहिए। तो ये जो सारी चीजें हैं इसके बिना ये रह नहीं सकते हैं। तो इनको मांस ओरिजिन का या एनिमल प्रोटीन ओरिजिन का प्रोटीन चाहिए ही चाहिए जिसके चलते इनका जीवन यापन हो सके। तो कैट्स को आप शुद्ध शाकाहारी नहीं रख सकते हैं। जी विनीत, जी, डॉक्टर साहब मेरा अगला सवाल ये है, इसी से जुड़ा हुआ, कि जब अगर जो डॉग्स हैं कैट्स हैं, वो उनको क्या हम अपने खाने पे रख सकते हैं? अगर उनको जो हम खाना खाते हैं, क्या हम उन खानों पे उनको हम रख सकते हैं क्या? जी विनीत जी सही पूछा आपने कि इनको जैसे मैंने अभी अभी आपको तुरंत बताया कि हम अदर अगर शुद्ध शाकाहारी हैं तो आप अपने खाने पे कैट्स को नहीं रख सकते हैं, उनको बाहर से आर्टिफिशियल चाहिए। वो जो टॉरीन और विटामिन ए इसी तरह से कुछ और भी विटामिन्स हैं उनकी ज़रूरत उनको चाहिए ही होती है, इसलिए इनको आप अपने खाने पर नहीं रख, अगर आप मांसाहारी हैं तो अपने जैसे खाने पर इनको रख सकते हैं। लेकिन डॉग्स में आप काफ़ी हद तक अपने जैसे खाना खाते हैं उस पे आप उसको रख सकते हैं। लेकिन एक समस्या जो बड़ी आती है उसको माल न्यूट्रिशन का कहते हैं। माल न्यूट्रिशन का मतलब ये होता है या तो डाइट उसका इनसफिशियंट है या ओवर सफिशियंट, एक्सेस भी अगर डाइट है तो भी बड़ी समस्या है। आजकल एक जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो ओबेसिटी की है,
यानी कि ओबेसिटी जब डॉग्स में आ जाती है तो बड़े ही कई तरह की बीमारियां उसको होने लगती हैं, और वो कई बीमारियों से संक्रमित, और कई बीमारियां उसमें होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो इसलिए डाइट मैनेजमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, और उसको अगर आप होममेड डाइट बनाना चाहते हैं, अपने जैसे डाइट पर रखना चाहते हैं, तो उसके बॉडी कंडीशन का ध्यान रखना अति आवश्यक है। जी डॉक्टर साहब, कैसे पता चले एज अ पेट ओनर हमें कि मेरा जो डॉग है या जो मेरी जो कैट है वो हेल्दी है कि नहीं, उसको माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम तो नहीं है, ये हमें कैसे पता चलना चाहिए? जी बिल्कुल सही बात है कि मेरा डॉग ओबेज है कि थिन है, ये जानना पेट ओनर्स के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसको पता नहीं होता है कि किस क्राइटेरिया पर, किसी को लगता है कि ये मेरा हेल्दी है, मोटा नहीं है, किसी के लिए वो मोटा है, किसी के लिए वो पतला है। तो मैं आपको बता दूं कि एक स्कोर होता है जिसे हम लोग बॉडी कंडीशन स्कोर कहते हैं, BCS कहते हैं, बॉडी कंडीशन स्कोर। उसके बेसिस पे आप अपने डॉग का एनालिसिस कर सकते हैं कि आपका डॉग जो है एकदम फिट है और आपके लायक है, या बहुत कमजोर है, या बहुत ज़्यादा मोटा है। तो ये जो BCS है, बॉडी कंडीशन स्कोर है, वो 1 से लेके 5 के अंदर स्कोर किया जाता है। और अगर आप स्वस्थ और हेल्दी डॉग की बात करें तो उसका स्कोर 3 होना चाहिए, 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उसका स्कोर 1 है तो वो थिन है, और उसका स्कोर 5 है मतलब मैक्सिमम है तो हाईली ओबेज है, उसमें एकदम से ओबेसिटी है। अब बात रही कि हम स्कोरिंग करेंगे कैसे, किस बेसिस पे हम स्कोर उसको देंगे, क्या क्राइटेरिया है, तो इसके लिए हम लोग खास करके जो क्राइटेरिया रखते हैं उसमें हम लोग देखते हैं कि पहला तो हम लोग उसके रिब्स को पालपेट करते हैं, मतलब आपको उसके रिब्स को छूना है, और जब आप उसको हाथों से आप छुएंगे उसकी छाती को और उसके चेस्ट को, तो अगर आप उसके रिब्स के ऊपर थोड़ा सा मसल और फैट पाते हैं और रिब्स की प्रोमिनेंस आपको पता चलती है, तो इसका मतलब है कि आपका डॉग फिट है। अगर उसकी चेस्ट पे आप छूते हैं और जो हड्डियां हैं उनका एहसास आपको नहीं होता है, तो इसका मतलब आपका डॉग ओबेज हो रहा है। एक दूसरा है कि ओवरहेड लुक करते हैं, ऊपर से हम अपने डॉग को देखते हैं, तो एब्डोमेन और जो उसका वेस्ट है वेल डिफाइंड होना चाहिए। अगर आपका डॉग हेल्दी है, ओबेज नहीं है, तो जैसे हम लोगों की कमर होती है वैसे इनका पेट और कमर के बीच में एक डिफाइंड एरिया होगा, जो आपको बड़े अच्छे से पता चलता है कि ये एकदम अलग अलग है, ये वेस्ट है और ये एब्डोमेन है। लेकिन अगर आपका डॉग ओबेज होगा तो एब्डोमेन और वेस्ट में आप डिफ्रेंसिएशन नहीं कर पाएंगे। तीसरा जो क्राइटेरिया है वो है कि बेस ऑफ टेल कैसा है। अगर आप उसको छू के देखेंगे बेस को, ऊपर से जब हम लोग छूते हैं टेल को, तो उसका कंटूर जो होता है एकदम नॉर्मल रहना चाहिए, और आपके टेल के जो बोनी प्रोमिनेंस है वो फैट के साथ आपको फील होना चाहिए। अगर टेल के बोनी प्रोमिनेंस आप फील नहीं कर पा रहे हैं, बेस पे अगर आपको फील नहीं हो रहा है और टेल पे उसके डिम्पल्स पड़ रहे हैं, तो ये इंडिकेट करता है कि आपका डॉग जो है ओबेज हो रहा है। अगर आप एक और क्राइटेरिया है साइड से व्यू देखते हैं, साइड से अगर आप देखेंगे तो आपके उसका एब्डोमेन इतना नहीं इनलार्ज होना चाहिए कि उसके थाई को डिफ्रेंशिएट ना करे, थाई और उसका एब्डोमेन एक दूसरे को टच करेगा तो फिर आपका डॉग ओबेज हो गया है और वो ओवरवेट है, उसको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। जी विनीत जी, जी डॉक्टर साहब, मोटा मोटा तो मुझे समझ में आया, ये समझ में आया कि अगर हमारा डॉग है, अगर हम जैसे आपने चीजें कही कि तो हम उसके रिब्स पे हम टच करके देखते हैं, फील नहीं हो रही, हड्डियां फील नहीं हो रही हैं, या पीछे की तरफ टेल की तरफ अगर हम टच करके करते हैं हड्डियां फील नहीं हो रही हैं, इसका मतलब कि वो ओबेज हो चुका है और हमें सतर्क होना चाहिए। और ये जो बेसिक आपने एक पेट ओनर्स के लिए एक तरीका बताया उसको फाइंड आउट करने के लिए। जी जी डॉक्टर साहब, अब मेरा अगला सवाल ये है कि एक बार हम शुरू से शुरू करेंगे कि जब मैं एक पपी लेके आता हूँ घर में या एक किटन लेके आता हूँ और वो छोटा है बहुत, और वो मैं उसको जो भी डाइट मुझे लगता है जो पपीज के लिए मैं उसको देता हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा कि उसका ग्रोथ स्टेज कब तक है, कब तक उसका ग्रोथ होगा, तो कब तक मुझे उसको मॉनिटर करना है कि ये इसका ग्रोथ स्टेज है, ये ग्रोथ नहीं कर रहा है, या ये ग्रोथ कर चुका है, इसका स्टेज आ चुका है, ये कैसे पता चलेगा? जी विनीत जी,
ये भी सवाल बड़ा वैलिड है। डॉग में अगर आप देखेंगे तो तमाम तरह के ब्रीड हैं, बड़े छोटे से लेके बड़े बड़े तक ब्रीड होते हैं। यानी कि डॉग का जो वेट एक रेंज माना जाता है अलग अलग ब्रीड का, वो 4 से 80 किलो तक का डॉग हो सकता है। और इसी के अनुसार से जैसा ब्रीड है वैसे उसके पप भी पैदा होते हैं। यानी कि एक पप का जो वजन है वो 120 ग्राम से लेकर के 500 ग्राम तक पैदा होने के टाइम पे रहता है। और अगर आप बात करेंगे तो ये जो पप्स होते हैं ये 2 वीक तक, मतलब 14 दिनों तक, किसी भी बाहर से ये फीडिंग की जरूरत इनको नहीं होती है। अगर उसकी माँ उसे फीडिंग कर रही है तो मदर फीडिंग अगर वो कर रही है तो इस कंडीशन में बाहर से कोई भी अलग से चीज़ देने की जरूरत नहीं होती है। अब रही बात ग्रोथ की कि कब तक होती है और किस स्पीड से होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका डॉग सही ग्रोथ पे पकड़ रहा है कि नहीं पकड़ रहा है। तो डॉग्स में अगर हम लोग बात करें तो जो इनका ग्रोथ का हाई स्पीड होता है वो 5th मंथ तक, पैदा होने से 5 महीने तक सबसे तेजी से इनका ग्रोथ होता है। उसके बाद 6 से 8 महीने, 6 महीने के बाद वो एक प्लेट्यू पे आता है, मतलब वो रेपिडिटी वो नहीं रह जाती है। लेकिन जो बड़े ब्रीड्स हैं उनमें भी 5 महीने तक रैपिड ग्रोथ रहता है और उसके बाद से 6ठे महीने में प्लेट्यू आता है। लेकिन जो छोटे ब्रीड्स हैं, खास करके जो जिनका वजन 10 या 15 किलो या 20 किलो का होता है, इनका जो कंप्लीट कंप्लीशन है, ग्रोथ का कंप्लीशन है, ये 10 से 12 महीने में हो जाता है। 8 से 12 महीने या 10 से 12 महीने में इनका ग्रोथ जो होता है कंप्लीट हो जाता है। लेकिन जो बड़े ब्रीड होते हैं उनका ग्रोथ 10 से 16 महीने तक चलते रहता है। अब आपने जो सवाल किया था कि ये मेरे पेट का बॉडी वेट सही से गेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये हमें कैसे पता चलेगा? जी तो एक आइडियल फॉर्मूला ये है कि एक डॉग अगर उसका एक्सपेक्टेड बॉडी वेट जो है उसका 2 ग्राम पर डे पर केजी के हिसाब से उसका ग्रोथ होता है। अगर कोई पप है पहले के 5वें महीने में, मैं आपको समझा दूं इस चीज़ को क्लियरली, कि मान लीजिए कि आपका एक एक्सपेक्टेड वेट जो आपका ब्रीड है उसका 10 केजी है, यानी कि एक दिन में उसमें कितना ग्रोथ होना चाहिए शुरू जी से। अगर मुझे एक्सपेक्टेड है कि जी एक दिन में उसमें कितना ग्रोथ होना चाहिए, तो मैं कह रहा था 2 ग्राम पर केजी, यानी कि 10 किलो का है तो 20 ग्राम पर डे उसमें ग्रोथ होगा और ये ग्रोथ कंटिन्यू होता रहेगा। यानी कि 100 दिन में वो 10 दिन में वो 200 ग्राम बढ़ जाएगा और 100 दिन जी में उसकी वजन 2 किलो बढ़ना चाहिए। यानी कि 100 दिन का जब होता है तो लगभग 2 किलो का वो हो जाना चाहिए। 2 ग्राम के हिसाब से उसका एक्सपेक्टेड जो बॉडी वेट है उसके अनुसार से उनका ग्रोथ होता है। तो इस तरह से ये जो ग्रोथ का पीरियड है इसके बेसिस पे आप अपने एनिमल को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको वेल नोन है कि आपका कौन सा ब्रीड है और इसका क्या ग्रोथ होना चाहिए। इसी तरह से अगर हम कैट की बात करें तो जी इनमें जो बॉडी वेट की बात होती है, जो टॉम होता है मेल कैट होता है उसका बॉडी वेट अगर आप एक्सपेक्ट कर ले कि 3.2 केजी है, और जो क्वीन है जो फीमेल कैट है उसका बॉडी वेट अगर 2.8 केजी है, तो इनसे पैदा हुए बच्चे का वजन 90 से लेकर के 100 ग्राम के बीच में होता है। जो किटन पैदा होता है उस समय उसका वजन 90 से लेकर के 100 ग्राम का होता है। और इनका जो रैपिड पीरियड है, ग्रोथ का पीरियड है, वो 3 से 4 महीने तक होता है और हर हफ्ते इनका 50 से लेकर के 100 ग्राम तक वजन में बढ़ोतरी होती है। तो अगर आप हर हफ्ते का बॉडी वेट लेते हैं किटन का, तो 50 से 100 ग्राम के बीच में उसका वजन हर हफ्ते बढ़ना चाहिए और वो रैपिडली बढ़ेगा 3 से 4 महीने तक। इसी तरह से इनका जो प्लेट्यू है वो 150 दिन से 160 दिन में आ जाता है और उसके बाद जो इनका कंप्लीट ग्रोथ है वो 200 दिन से लेकर के 210 दिन तक, यानी कि आप ये इस तरह से लगा लिए 6 महीना 20 दिन से लेकर के 7 महीने के बीच में इनका ग्रोथ जो है वो कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद ये एडल्ट में आते हैं। जी विनीत जी, डॉक्टर साहब, जब अब हम आ गए कि वो हमारा पपी जो है वो एडल्ट हो गया है और उसका जो ग्रोथ है, ग्रोथ हो चुका है उसका ग्रोथ। अब सवाल ये है डॉक्टर साहब, अगर मैं मोटा मोटा समझूं कि जैसे अगर 3 तरह के पेट हैं, अगर डॉग्स की बात करें तो एक स्मॉलर ब्रीड्स हैं और एक मीडियम ब्रीड्स हैं जो लैब्स वगैरह हैं और एक थोड़ा उससे बड़े ब्रीड्स हैं, जी तो मोटा मोटा अगर आप कुछ वेट का आइडिया दे सकें कि किस वेट में अगर वो आ जाते हैं और किस तरह से फिजिकल फॉर्म में आ जाते हैं, हम समझे कि उनका ग्रोथ हो गया है, अगर वेट के पर्सपेक्टिव में आप बता सके। नहीं, कंप्लीट ग्रोथ तो
एज वाइज होता है कि कितना एज हुआ। जैसे मैंने बताया कि वो अगर लार्ज ब्रीड है, अगर आपका ब्रीड जो ग्रेट डेन है इस तरह का, जी अगर आपके पास ब्रीड है, तो वो 16 महीने की एज तक वो ग्रो करेगा। और मान लीजिए कि उसका एक्सपेक्टेड बॉडी वेट 60 kg का है, आपने रखा है, तो 2 ग्राम 60 kg का, यानी कि 120 ग्राम पर डे वो बढ़ेगा। आप समझ रहे हैं ना जी मैं क्या समझा रहा था? इसी तरह से, नॉर्मल हाँ, उसी के एक्सपेक्टेड जो बॉडी वेट है, अगर कोई पोमेरियन आपके पास है, 10 किलो का उसको बनना है टोटल, या पग है आपके पास, वो 8 से 10 किलो का होना है, तो उसका जो बॉडी वेट गेन होगा वो 2 ग्राम पर डे के हिसाब से होगा 5 महीने तक। उसके बाद से 6 महीने से वो एक प्लेट्यू पे आएगा, और फिर उसके बाद से स्मॉल ब्रीड होगा तो उसका जो ग्रोथ होगा वो 12 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, और जो लार्ज ब्रीड होगा उसका 16 महीने तक हो सकता है। ठीक है ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब अब मेरा सवाल ये है कि जैसे अगर मेरे पास पप है, मैं लेके आया उसे या बच्चा हुआ हमारे यहाँ, तो क्या उसे ग्रोथ करने के लिए कुछ स्पेशल फूड देना चाहिए? जी बिल्कुल, जो ग्रोइंग स्टेज है इस समय में रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। मैं कह रहा था कि ग्रोथ बड़े तेजी से होता है, तो ग्रोइंग फेज के लिए स्पेशल न्यूट्रिशनल डाइट होता है, एडल्ट के लिए अलग होता है। आप जो ग्रोइंग वाला डाइट है वो अगर आप एडल्ट को खिलाएंगे तो ओबेज हो जाएगा। उस समय प्रोटीन की भी रिक्वायरमेंट अलग होती है, उस समय बाकी न्यूट्रिएंट्स की भी रिक्वायरमेंट अलग होती है। तो हर फेज के लिए अलग अलग डाइट होते हैं, और इसके लिए अगर आपको फॉर्मुलेशन करना है, आप चाहें तो मार्केट में अवेलेबल भी डाइट है, या आप होममेड डाइट अपने न्यूट्रिशन वेट न्यूट्रिशनिस्ट जो है उससे सलाह लेकर के आप होममेड भी बना सकते हैं और अपने पेट को उस पर खिला सकते हैं। जी विनीत जी, डॉक्टर साहब ये सेम सवाल अगर क्या ये सेम सवाल कैट्स के लिए भी वैलिड है? जी उनके लिए बड़ा ही स्पेशल है। जैसे मैं आपको बता रहा था कि कैट्स जो हैं बड़ी स्पेसिफिक हैं, इनको कुछ स्पेशल चीज़ें डॉग के सिवा, जैसे मैं कह रहा था कि अगर आप वेज डाइट पर रखना चाहते हैं तो कैट को नहीं रख सकते हैं, क्योंकि एनिमल ओरिजिन से ही कुछ चीज़ें हैं जो सिर्फ आती हैं, या तो उसे सिंथेटिक बनाया जाए। अगर सिंथेटिक बनता है तो सिंथेटिक चीज़ें उस तरह की होती नहीं हैं, तो आपको टोटली उस पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। आप मार्केट से भी फूड लेंगे, अगर वेज आजकल फूड आ रहे हैं, वेज अगर आप कैट के लिए लेना चाहेंगे तो वो चीज़ कतई आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, आपकी कैट उस पर सर्वाइव नहीं कर सकती है। तो मैं आपको खास चीज़ें बता दूं जो कैट्स के लिए रिक्वायर्ड हैं। उसमें जो मेन है एक टॉरिन मैंने बताया था, उसी तरह से अराकिडोनिक एसिड होता है जो ओमेगा 3 फैटी एसिड का कंपोनेंट है, एक तरह से आप कह लीजिए। एक बड़ी इंपॉर्टेंट है विटामिन ए, डॉग्स में इस तरह का नहीं होता है, विटामिन ए प्री फॉर्म में कैट्स को चाहिए ही चाहिए किसी भी तरह से। उसी तरह से एक विटामिन होता है नियासिन, उसी तरह से एक विटामिन होता है पायरिडॉक्सिन, ये कैट्स को बाहर से चाहिए। आर्जिनिन एक अमाइनो एसिड होता है, तो ये सारी चीज़ें हैं वो कैट को बाहर से चाहिए। इसलिए हम लोग मानते हैं, अगर खाने की भी बात करें, आप नॉनवेज भी कैट को दे रहे हैं, तो स्पेसिफिक जैसे टॉरीन है, टॉरीन जो होता है जिस ऑर्गन में ज़्यादा रहेगा उस ऑर्गन को आपको कैट को खिलाना पड़ेगा। अगर आप लोग देखेंगे तो जो फेरल कैट्स हैं जो बाहर रहती हैं, ये जी हमेशा या तो बर्ड्स का शिकार करती हैं या चूहों का शिकार करती हैं, पकड़ने के इनकी हैबिट है, चूहे को तो मारेगी मारेगी। इसलिए हमारा एक कहावत भी बना है कि 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। एक्चुअली जी कहावत जो भी हो, लेकिन सच्चाई इसके पीछे ये है कि बिल्ली बिना चूहे खाए जा नहीं सकती है कहीं भी, चाहे जहां भी उसे जाना हो, उसको तो चूहे चाहिए। अगर उसे जिंदा रहना है तो चूहे चाहिए, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा था कि चूहे खाने से उसको कंप्लीट चूहा मिलता है। और जो टॉरिन की हम लोग बात कर रहे थे, ये जो टॉरिन होता है कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन में कंपोनेंट इसका ज्यादा होता है, जैसे कि मान लीजिए कि ब्रेन है या आई है, आई में स्पेशली अगर रेटिना की बात करें, इसी तरह से हार्ट है, गॉल ब्लैडर है, इंटेस्टाइन है, किडनी है, ये ऑर्गन अगर आप जब तक उसको नहीं मिलेगा तो उसके जो टॉरिन की रिक्वायरमेंट है वो पूरा नहीं हो पाएगा। यानी कि अगर आप चिकन का मीट लाकर के उसे खिलाएंगे और उसमें हार्ट नहीं होगा, उसमें लीवर नहीं होगा, किडनी नहीं होगा, उसका अगर आप ब्रेन नहीं खिलाएंगे, उसकी आंखें उसको नहीं देंगे, तो उसका टॉरिन का जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो नहीं सकता है। और फिर उसको तरह तरह की मस्कुलर वीकनेस आएगी, हार्ट का प्रॉब्लम आएगा, और फिर वो उसका जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। जी विनीत जी, तो आपके आपके जवाब से डॉक्टर साहब ऐसा लगा मुझे कि जो मैंने डॉग से केस में पूछा था स्पेशल फूड के लिए, तो आपने जी कहा सब स्पेशल फूड लिए होता है डॉग्स को पपी हुड से लेके ग्रोथ स्टेज तक ले जाने के लिए, ज्यादा प्रोटीन वगैरह
उनको फूड देना पड़ता है। बिल्लियों के केस में आप स्पेसिफिकली कह रहे हैं कि उनको कंप्लीट मील चाहिए, मतलब आप उनको वेज पे पहली बात तो उनको नहीं रख सकते, और उनको कंप्लीट नॉन वेज और पूरा इंटायर जो चूहा चूहे का आपने एग्जांपल दिया, बेसिकली पॉइंट ये जी है कि उसका कंप्लीट उनको चाहिए। ओके डॉक्टर साहब, इससे आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और है डॉक्टर साहब कि जैसे डॉग फूड और कैट फूड, अगर दोनों जैसे आपने कहा कैट जो है वो कॉर्निवरस है, डॉग जो है ओमनिवरस है, राइट, लेकिन जी ओमनिवरस जो है वो कॉर्निवरस फूड खा सकता है, वो चूंकि वो सब कुछ खा सकता है, मांसाहारी भी खा सकता है शाकाहारी भी खा सकता है, तो कुत्ता मांसाहारी खा सकता है, बिल्ली शाकाहारी नहीं हो सकती है। मेरा सवाल ये डॉक्टर साहब कि क्या बिल्ली का खाना कुत्ता खा सकता है? जी जैसे आपने पूछा सही, यार डॉग का कभी कभी लोगों के पास एक कैट भी है डॉग भी है, तो डॉग का भी खाना है वो सोचते हैं कि ये बिल्ली को खिलाना है। तो मैंने आपको साफ साफ बता दिया जो डॉग के फूड बन के आते हैं वो स्पेशली डॉग के लिए बनते हैं, और उनमें उस लेवल का टॉरिन और विटामिन ए और बाकी के जो एराकिडोनिक एसिड जो चीज़ें मैं कह रहा था वो अवेलेबल नहीं होती है, तो डॉग फूड कभी भी उसके आपके कैट के लिए सुटेबल नहीं है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो आपकी कैट का फूड रहेगा उसमें विटामिन ए का कंपोनेंट कंटेंट बहुत ज़्यादा रहता है, और डॉग्स बड़े ही ससेप्टेबल होते हैं विटामिन ए टॉक्सिसिटी के लिए। अगर हाई डोज में आप उन्हें विटामिन ए देंगे तो विटामिन ए टॉक्सिसिटी के होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए डॉग का फूड अलग रहेगा, कैट का फूड अलग रहेगा। जी विनीत जी, जी डॉक्टर साहब, अब थोड़ा सा आप इसको और थोड़ा डिटेल में जाते हैं, और डिटेल में जाने का मतलब ये है मेरा कि जब हम वेज और नॉन वेज की जो आप बात कर रहे थे कि बिल्ली वेजिटेरियन नहीं हो सकती और डॉग जो है दोनों खा सकता है, वेज और नॉन वेज दोनों खा सकता है, तो पहले नॉन वेज से अगर शुरू करें डॉक्टर साहब, तो डॉग के केस में क्या हम उसको हर तरह का मांस खिला सकते हैं, सब कुछ खिला सकते हैं? जी विनीत जी, पहले तो मैं आपको कैट के लिए बता दूं, जैसे वेजिटेरियन नहीं हो सकती का मतलब कि वो वेज नहीं खा सकती ऐसा नहीं है, वो वेज भी खा सकती है लेकिन उसे नॉन वेज पे आपको रखना पड़ेगा। ऐसा लोगों को लगता है कि जैसे वेज में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, राइस हो गया, चावल जैसे हो गया या पोटैटो हो गया, ये बिल्लियाँ खा सकती हैं कि नहीं खा सकती हैं, शुगर हो गया ये खा सकती हैं कि नहीं। तो ज़्यादातर कंसेप्ट ये है कि इनको कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए ग्लूकोकाइनेज एंजाइम की ज़रूरत होती है, वो बिल्लियों में नहीं पाया जाता है, लेकिन इसके अल्टरनेट में बिल्लियों के पास एक और एंजाइम रहता है इनके इंटेस्टाइन में, उसे हेक्सोकाइनेज कहते हैं, और ये कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन को कर देता है। तो अगर आप कार्बोहाइड्रेट डाइट देना चाहते हैं तो उसे प्रोसेस करके उसे दीजिए, अगर कैट को देना है तो उसे अगर आप प्रोसेस करके देंगे तो फिर वो उसे इजीली डाइजेस्ट कर लेती है। अब आते हैं आपके अगले सवाल पे कि डॉग को अगर हमें नॉन वेज खिलाना है तो किस तरह से खिलाना है, क्या खिलाना है खास करके। तो पहले सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि चिकन अगर आप खिला रहे हैं तो डॉग के लिए, जैसे मैं कह रहा था कि अगर आप डॉग को कुछ चीज़ें हैं जो डाइजेस्ट नहीं होती हैं, जैसे हमारे साथ ही रहता है, लेकिन अगर आप हाई फैट कंटेंट देंगे तो वो डॉग के लिए सुटेबल डाइट नहीं होता है। इसमें अगर आप चिकन का स्किन देते हैं तो उसमें विटामिन ए ज़्यादा रहता है, फैट सोल्युबल विटामिन ज़्यादा रहते हैं, विटामिन डी ज़्यादा रहेगा, तो विटामिन डी टॉक्सिसिटी और विटामिन ए टॉक्सिसिटी होने के चांसेस डॉग को रहते हैं, तो कभी भी चिकन का फैट उसको नहीं खिलाना चाहिए। इसी तरह से कुछ लोगों को लगता है कि अगर मुझे डॉग को खिलाना है तो मैं सिर्फ मीट मीट खिलाऊं, बोन खिलाने जी की ज़रूरत नहीं है, तो जी वो भी रिकमेंडेड नहीं है। सिर्फ आप मीट नहीं खिला सकते हैं क्योंकि जो मसल मसल है उसमें फास्फोरस कंटेंट बहुत ज़्यादा रहता है, और जब फास्फोरस कंटेंट आप ज़्यादा खिलाएंगे कैल्शियम लेवल लो रहेगा, तो कैल्शियम फास्फोरस मिसबैलेंस होगा, इसके चक्कर में बॉडी के अंदर ऐसी फिजियोलॉजी है कि उसको चेक करना पड़ता है, और उसके चलते वो कैल्शियम डिफिशियंसी में चला जाता है, यानी कि सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म एक कंडीशन आती है, एक हार्मोन की कंडीशन आती है उसमें आ जाता है, और वो कैल्शियम के तमाम बीमारियां जैसे कि रिकेट्स हो गया, ऑस्टियोमलेशिया हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, ऑस्टियोडिस्ट्रोफी हो गया, इस तरह की तमाम समस्याओं से वो जूझने लगता है। तो सिर्फ मीट मीट आप डॉग को भी नहीं खिला सकते हैं। इसी तरह से जैसे मैं कह रहा था, अगर आप सिर्फ लीवर लीवर खिलाएंगे उसको, रोजाना लीवर खिलाएंगे तो उसमें फैट सोल्युबल विटामिन ज़्यादा हैं, तो उसको भी फिर फैट सोल्युबल जैसे विटामिन ए और विटामिन डी की टॉक्सिसिटी होने के चांसेस रहते हैं। इसी तरह से जैसे आप फिश की बात कर लें, मछली जी की, तो
तो मछलियां बिल्लियों को लोग खिलाते हैं, लेकिन रॉ फिश कभी भी आपको मछली जो कच्चा है, कच्ची है, उसे नहीं खिलाना चाहिए। हमेशा उसे पका के या उबाल के उसे खिलाना चाहिए, क्योंकि मछलियों के अंदर एक एंजाइम होता है थायमिनेज, और ये थायमिनेज क्या करता है कि थायमिन डिफिशियंसी कराता है। और जब थायमिन हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बड़ा रिक्वायर्ड होता है, तो कैट्स को अगर आप कच्चा मछली खिलाएंगे तो उससे उसको न्यूरोलॉजिकल डिजॉर्डर्स हो जाएंगे और उसको समस्याएं आने लगेगी। तो जब भी खिलाना है तो आपको पका के खिलाना है। इसी तरह से अंडे के लिए भी बात करते हैं लोग कि जे कच्चा अंडा खिलाना चाहिए कि नहीं खिलाना चाहिए। तो कच्चे अंडे में भी एक एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर होता है, उसको हम लोग एविडिन कहते हैं। वो एक विटामिन बायोटिन होता है, उसकी कमी करा देता है, चिलेट करता है, तो बायोटिन की डिफिशियंसी होने लगती है। तो कच्चा अंडा भी डॉग्स को आपको ऑफर नहीं करना चाहिए, उन्हें हमेशा उबाल के अंडा खिलाना चाहिए। जी विनय जी, जी डॉक्टर साहब, मैं ये सवाल आपसे पूछने वाला था, स्पेशली वेज और नॉन वेज को लेकर जो एक एक डिबेट है, डिफरेंशिएशन है कि क्या खिलाना चाहिए क्या नहीं खिलाना चाहिए, जिसमें आपने कहा कि कार्बोहाइड्रेट को लेके बिल्लियों को, और सिमिलरली डॉग्स के केस में भी है कि जो स्वीट है, जो सॉल्ट है, जैसे जो फ्रूट्स हैं, वो चीजें जिसमें कार्बोहाइड्रेट रिच होता है, वो उनको खिलाना चाहिए कि नहीं खिलाना चाहिए। ये सेम क्वेश्चन डॉग्स के लिए भी है। जैसे एक जो चीज डॉक्टर साहब हम सुनते आए हैं कि सॉल्ट और स्वीट दो चीजें डॉग्स को नहीं देनी चाहिए, तो जी विनीत जी, जैसा कि आपको पता है, मैं कह रहा था कि डॉग्स का जो एवोल्यूशन हुआ है हम लोगों से कुछ अलग है। जी तो हमारी सलाइवा में एक एंजाइम होता है सलाइवरी एमाइलेज। जब हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि हम रोटी चबा चबा के खाते हैं तो मुंह में रोटी मीठा हो जाता है, तो उस एमाइलेज के चलते होता है, वो कार्बोहाइड्रेट पे एक्शन करता है, उसके बाद वो मीठा लगने लगता है। लेकिन डॉग्स में ये एंजाइम डिफिशियंट होता है, उसके सलाइवा में एमाइलेज रहता ही नहीं है। साथ ही साथ उसके सारा का सारा जो एमाइलेज है वो पैंक्रियाज से ही आता है। इसी तरह से स्वीट्स के लिए अगर बात करें तो कैट्स में स्वीट्स के टेस्ट बड होते ही नहीं है। आपने अच्छा ध्यान दिया होगा कि बिल्लियां मिठाई पे ज़्यादा ध्यान देती नहीं है, उसके पीछे भागती नहीं है, लेकिन डॉग भागते हैं क्योंकि इनके पास टेस्ट बड होता है, बिल्लियों में वो टेस्ट बड नहीं होता है। तो अगर आप मीठा खिलाएंगे, अभी हम लोग मीठा की बात कर लें, तो अगर आप मीठा डॉग्स को ज़्यादा देंगे, मैं कह रहा हूँ, तो उससे समस्याएं डॉग्स में आती हैं। जब हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट पे रहते हैं तो जी इनके स्किन में जो नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा है, स्किन पे नॉर्मली कई तरह के माइक्रोफ्लोरा रहते हैं, वो प्रोलिफरेट करने लगते हैं, उनको डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट मिलने लगता है, और वो प्रोलिफरेट करते हैं, फिर स्किन प्रॉब्लम होने लगता है। खास करके एक ईस्ट होता है, वो ओवर प्रोलिफरेट करता है और फिर स्किन डिजीजेज कराता है। तो डॉग्स को मीठे से अवॉइड करना चाहिए, और खास करके बार बार उसको मीठा नहीं देना चाहिए। जी डॉक्टर विनीत जी, साहब, मैं आपको कहूंगा कि थोड़ा इसको एक्सप्लेन करिएगा। जब हम कहते हैं कि ज्यादा नहीं देना चाहिए, तो ये ज्यादा कितना ज्यादा है? जैसे मान लीजिए मेरे घर में मिठाई मैं खा रहा हूँ, हफ्ते में एक बार उसको एक मिठाई खिला दिया, या महीने में खिला दिया, या रोज, ज्यादा की बाउंड्री क्या है? और अगर उसको लेमेन टर्म्स में जी अगर आप रोज रोज उसे खिलाएंगे, मिठाई ही नहीं, अगर वो रोज दो आलू खाता है, चार आलू खाता है, घर में कभी कभी किचन में जाके आलू खा लेते, वो भी कार्बोहाइड्रेट जस्ट लाइक स्वीट्स ही है। तो अगर वो रोज खाएगा तो उसके लिए समस्या हो सकती है, उसके स्किन में प्रॉब्लम हो सकता है। आप हफ्ते में एक बार मिठाई खिला देते हैं तो उससे समस्याएं नहीं आती। जी विनीत, और सॉल्ट को लेके डॉक्टर साहब? सॉल्ट को लेके ऐसा कोई नहीं है। आप जब भी, जब हम लोग भी कहते हैं कि जब आपको नॉनवेज भी देना है तो तेल मसाले में बना के नहीं देते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर आप डॉग को तेल ज़्यादा देंगे या फैट ज़्यादा देंगे तो ओवर फैट डाइट से, आपने सुना भी होगा कि डॉग को घी नहीं पचता है, जी गांव में भी कहते हैं कि घी उसको डाइजेस्ट नहीं होता है। तो फैट्स को ओवर हाई फैट डाइट अगर जब आप देंगे तो उसमें एक बीमारी पेंक्रियाज डैमेज हो जाता है, जी ऑर्गन है जो पेंक्रियाज, वो डैमेज हो जाता है, पेंक्रियाटाइटिस हो जाती है, इसलिए डॉग को हाई फैट डाइट नहीं देते हैं। लेकिन आपको उसे उबाल के सिर्फ नमक थोड़ा सा डाल के आप दे सकते हैं, वो एज ए इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में काम आएगा। तो सॉल्ट आप उसके इसमें दे सकते हैं और उबाल के दे सकते हैं। तेल और मसाले सब्जियों में जैसे भून के, हम लोग अपने इंडिया की पद्धति है उस तरह से नॉनवेज बना के फिर उसे भी आप ऑफर नहीं कर सकते हैं जिस तरह से हम लोग खाते हैं। जी विनीत जी, तो आप कह रहे हैं डॉक्टर साहब, जैसे घरों में हमने एक फोटो डाली है, लहसुन है उसमें, प्याज है उसमें, अंगूर है, तो मैंने देखा है डॉक्टर साहब, मेरा निजी अनुभव है, मैंने देखा है कई लोगों को जैसे घरों में बहुत प्यार से डॉग को रखते हैं, और जैसे जो खुद खाना खा रहे हैं वो राजमा चावल भी दे दिया, चोखा
छोले चावल भी दे दिया, मैंने सच में देखा है किसी को करते हुए, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे उनको? जी आप वेजिटेरियन हैं, बड़ी अच्छी अच्छा सवाल किया है आपने। खास करके ये लहसुन और प्याज जो एलियम फैमिली के जो भी हैं, ये डॉग्स के लिए टॉक्सिक हैं, ये एक तरह से उनके लिए पॉइजन की तरह काम करते हैं। तो लहसुन प्याज बिल्कुल आपको डॉग को नहीं खिलाना है। इनमें एक टॉक्सिन रहता है जिसे हम लोग कहते हैं ऑर्गेनोसल्फोक्साइड। ऑर्गेनोसल्फोक्साइड का अगला कंपाउंड अगर आप देखेंगे तो एन प्रोपाइल सल्फाइड रहता है, या आप थायोसल्फेट उसे कह सकते हैं। तो ये जो कंपाउंड है ये उसके ऑक्सीडेटिव डैमेज कराता है और उसमें अनीमिया एक बीमारी होती है जिससे कि खून की कमी हो जाती है, इस तरह की बीमारी उसमें होती है। तो ये डॉग्स को बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है कि आप गार्लिक और प्याज दें। गार्लिक भी और प्याज में अगर बात करेंगे तो प्याज उसको ज़्यादा डेंजरस होता है, यानी कि आपके किचन में जाके अगर उसने प्याज खा लिया तो उसमें ये अनीमिया तो आएगी ही, और भी कई तरह की उसको समस्याएं होने लगती हैं, जैसे वोमिटिंग होने लगेगा, डायरिया हो जाएगा, पेट में दर्द हो जाएगा, उसकी आंखें सफ़ेद हो जाएंगी, तो इस तरह की समस्याएं आती हैं। और अगर आप बात करें तो एक बार खाली खाने से प्याज अगर 15 से लेकर के 30 ग्राम पर केजी बॉडी वेट का के हिसाब से अगर उसने प्याज खा लिया है, यानी कि 10 केजी का आपका डॉग है और 150 ग्राम उसने प्याज एक बार में खा लिया है, तो अगले दिन उसके लिए वो बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। तो लहसुन और प्याज बिल्कुल नहीं खिलाना है। और आप यहाँ पे दिखा रहे हैं एक फ्रूट है, ग्रेप्स जी आपके इमेज में दिख रहा है, तो हम लोगों को भी लगता है कि हम खा रहे हैं तो अपने पेट्स को भी दो चार डाल दिए, या उनको भी हम हमारे लिए फायदेमंद है तो उनके लिए भी फायदेमंद हुआ है। लेकिन जो ग्रेप्स है और इसी से सुखा के जो बनता है रेसिन जिसे हम लोग किशमिश कहते हैं, जी ये बड़ा ही हानिकारक होता है डॉग्स के लिए। ये आप डॉग्स को बिल्कुल नहीं खिला सकते हैं, ये जो फ्रूट है ये इनकी किडनी खराब कर देता है। तो अगर आपने अपने डॉग को किशमिश या इस तरह से ग्रेप्स खिलाया है तो उसकी किडनी खराब होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है, और किडनी में दर्द भी होता है, और एकाएक किडनी डैमेज, एक्यूट रिनल फेलियर भी हो सकता है। तो ये जो शाकाहारी लोग हैं इनको विशेष ध्यान देना है कि उसे लहसुन प्याज न खिलाएं। इसी तरह से जो आप नट्स लगा रखे हैं उस पर, नट्स हैं उनमें फैट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो फैट मैंने पहले ही भी डिस्कस किया कि फैट से उसके पेंक्रियाज को समस्याएं आती है। तो ग्रेप्स नहीं खिलाना है, लहसुन प्याज नहीं खिलाना है, नट्स नहीं खिलाना है, तो ये आपके लिए हार्मफुल है, इसके साथ आपका डॉग सही नहीं रह पाएगा। जी विनीत जी, जी डॉक्टर साहब, थोड़ा सा इसको हम और एलबोरेट करेंगे। जैसे आपने कहा कि कॉम्पेनियन पेट है वो हमारे साथ घरों में रह सकता है, स्पेशली नॉन वेजिटेरियंस के लिए आपने बहुत से समझाया कि उनको क्या खिलाना है क्या नहीं खिलाना है। वेजिटेरियंस के लिए अगर हम थोड़ा सा इसको हम तीन हिस्से में बात करें कि जैसे एक तो हमारा अपना खाना है जो हम खाते हैं जिसमें हम लोग तेल मसाला लहसुन प्याज डालते हैं, वो आपने कहा कि वो नहीं खिलाना है, वो जी आपने जी। सिर्फ उसके बाद से हमारे हम लोग फ्रूट्स का कंजम्पशन करते हैं जिसमें हमने एक यहाँ पे ग्रेप्स की बात की, अंगूर की बात की, जो हमें नहीं खिलाना है। तीसरा है जो हम वेजिटेबल्स खाते हैं, तो अगर हम थोड़ा सा अगर आप इसको डॉक्टर साहब वेजिटेबल्स को और फ्रूट्स को में क्या डूज एंड डोंट्स हैं, क्या हमें खिलाना चाहिए क्या नहीं खिलाना चाहिए, अगर आप ये बता सकते हैं। वेजिटेबल्स में अगर आप देखेंगे तो ब्रोकली आप नहीं खिला सकते हैं, ब्रोकली थोड़ा टॉक्सिक माना जाता है, तो ब्रोकली को आप अवॉइड करें। इसी तरह से कैट के लिए मशरूम थोड़ा सा टॉक्सिक होता है, उसमें भी टॉक्सिन्स होते हैं, तो ये सब चीज़ें आप अवॉइड कर सकते हैं। आलू ज़्यादा ना खिलाएं, अगर आलू ज़्यादा खिलाएंगे तो वही मिठाई वाला बात हो जाएगा, किसी कोई कोई तो दिन भर आलू पे ही रखता है, तो ज़्यादा आलू ना खिलाएं, हाई प्रोटीन डाइट पे इनको रखें, वेजिटेबल्स आप खिला सकते हैं। इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो हम लोग, हमारे बच्चे भी, क्योंकि बच्चों के साथ वो रखता है तो हम रोज अपने बच्चों को चॉकलेट देते हैं, उनको भी चॉकलेट ऑफर कर देते हैं, वो बच्चे जी उनको भी खिलाते हैं। तो इस तरह की चीजें खास करके अगर आप देखें तो चॉकलेट हो गया, या कोका से जो भी चीजें बनती है, कैफीन हो गया, कॉफी हो गया, या सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए, या टी हो गया, ये बड़ा ही हार्मफुल होता है डॉग्स के लिए। आप चॉकलेट डॉग को बिल्कुल नहीं खिला सकते हैं, क्योंकि इसमें एक कंपाउंड, दो तीन कंपाउंड होते हैं, खास करके कह लीजिए, एक तो कंपाउंड होता है थियोब्रोमीन, एक जी कंपाउंड होता है थियोब्रोमीन, दूसरा है कैफीन, आप जानते होंगे कैफीन हर जो भी सॉफ्ट ड्रिंक है उसमें रहता है, कुछ मेडिसिन, ह्यूमन मेडिसिन हैं उसमें भी रहता है, और तीसरा जो मिथाइल जेंथीन है, पोटेंट टॉक्सिक होता है ये। तो मिथाइल जेंथीन जो है ये बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होता है डॉग्स के लिए, और ये एकाएक आपके डॉग को और कैट को मतलब कि सीवियर प्रॉब्लम में डाल सकता है,
शुरुआती इसके मतलब कि खाने के थोड़े देर बाद उसको 6 से 7 घंटे में, ज़्यादा अगर उसने चॉकलेट खा लिया है तो उसे प्यास बहुत लगती है, उल्टी होने लगता है, दस्त होने लगता है, या वो उसको दौरे भी आने लग सकते हैं, और उसके बाद उसके कार्डियक अरेस्ट होता है और उसकी डेथ हो जाती है। तो इन सब चीज़ों पे विशेष ध्यान रखें कि जो कोका से बनी है, इस तरह की चीज़ों से चीज़ें बनी हैं, उनको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, अपने पेट्स को नहीं खिलाना चाहिए। जी विनीत जी, जी डॉक्टर साहब, आपने क्लियरली कहा कि चॉकलेट और कॉफी, कोका कोला, चाय, जी बाकी आपने साथ में जो ब्रोकली और कैट्स के लिए मशरूम कहा, वो नहीं खिलाना चाहिए, बिल्कुल नहीं खिलाना चाहिए। आलू आलू जैसे कार्बोहाइड्रेट है, स्वीट है, जिसमें भी है, वो नहीं खिलाना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल मैं इस कड़ी में पूछूंगा आपसे, क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं डॉक्टर साहब, और हिंदुस्तान में हमारे यहाँ बहुत क्लियर डिस्टिंक्शन है फैमिलीज के अंदर। कुछ फैमिलीज कंप्लीटली वेजिटेरियन फैमिलीज हैं, कुछ फैमिली कंप्लीटली नॉन वेजिटेरियन फैमिलीज हैं, करेक्ट? या जो नॉन वेजिटेरियन है, ऑफकोर्स वो ओमनिवरस है, वो सब कुछ ही खाते हैं, वो तो वेज भी खाते हैं, ओमनिवरस नहीं कहेंगे, सब कुछ नहीं खाते लेकिन खाते हैं। तो मेरा सवाल डॉक्टर साहब, जो वेजिटेरियन फैमिलीज हैं, कई बार हमने देखा है कि वो डॉग्स को रखते हैं, बहुत प्यार से रखते हैं, और वो पूरे टाइम वो उनको घर से बने हुए खाने पे ही रखते हैं, जिसमें दूध होता है, और दूध में रोटी डाल के वो खिलाते हैं। और डॉक्टर साहब, जैसे वो उनको जो भी आलू आपने कहा, चलिए अगर नहीं खिलाते हैं, उनको पता भी है, बट वो कभी भी उनको एग, कभी भी उनको चिकन, कभी भी उनको फिश नहीं फीड करते हैं। उन केसेस में उन वैसे पेट पेरेंट्स को आप क्या कहेंगे, उनको क्या करना चाहिए? जी विनीत जी, बिल्कुल वैलिड है ये। मैंने जैसे बताया कि कैट को आपको तो खिलाना पड़ेगा, या नॉन वेज कहीं ना कहीं से आपको लाना ही पड़ेगा, लेकिन डॉग के साथ ऐसा करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो बीच बीच में जो विटामिन्स हैं, जो खास करके मीट से मिलते हैं, अगर आप अलग से उसे कैल्शियम फॉस्फोरस सप्लीमेंट करते हैं, साथ में मार्केट में विटामिन्स के टैबलेट, मिनरल्स और विटामिन्स के टैबलेट अवेलेबल हैं, तो आप उनको वीकली या 3 वीक्स के ब्रेक के बाद 1 वीक खिला दिया, इस तरह से आप विटामिन जो बी कॉम्प्लेक्स हैं स्पेशली, उनको अगर आप उस उनके डाइट में ऐड करेंगे तो उनको ज़्यादा समस्या नहीं आनी है, अगर नॉन वेज आप डॉग्स को नहीं भी खिलाते हैं तो। रही बात जैसे मीठे से, एक और चीज़ मुझे याद आ रहा है कि अगर जैसे हमने कहा कि आप मीठा ना खिलाएं, तो कोई ये भी सोच रहा होगा कि हम आर्टिफिशियल, डॉग को तो मीठा पसंद है, तो मैं जी आर्टिफिशियल स्वीटनर दे दूँ। जो आजकल आते हैं डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, उनके लिए आते हैं तो वो मीठी चाय बना लेते हैं, उससे कुछ लोग डॉग को ऑफर करते हैं। ये भी बड़ा टॉक्सिक होता है, इसमें एक कंपाउंड होता है जालीडॉल, और ये जालीडॉल जो है ये इमिडिएटली इंसुलिन को रिलीज कराता है, और एकाएक उसमें ग्लूकोज लेवल को डाउन करा देता है। तो गलती से भी आप आर्टिफिशियल स्वीटनर्स या जिस प्रोडक्ट्स में भी हैं, खास करके कि जो डेंटल प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ ह्यूमन के मेडिसिन होते हैं, उसमें भी जालीडॉल रहता है, तो इस ये प्रोडक्ट जिसमें भी रहे उसको आपको डॉग्स को बिल्कुल नहीं देना है। ये सिर्फ ग्लूकोज ही नहीं कम करेगा, उसमें दौरे भी आएंगे, हो सकता है कि उसका लीवर भी खराब हो जाए और उसे हेपेटाइटिस हो जाए, जॉन्डिस हो जाता है। तो आपके डॉग के लिए आर्टिफिशियल स्वीटनर्स भी बहुत ही खतरनाक है। अब आते हैं आपका, जो आप दूध की बात कर रहे हैं, दूध के लिए को लेकर के बड़ी लोगों में कन्फ्यूजन है। जैसा कि डॉग्स की खास करके बात करें, तो जो भी पप कोई बेचता है, जो पेट शॉप वाला है, तो पहले ऑनर्स को समझा देता है कि इसको दूध छूने भी नहीं देना है, और हम जो खाना दे रहे हैं इसी पे रखना है। तो उसकी बातों में पार्शियल सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई नहीं है, आप नहीं कह सकते हैं। लोगों को लगता है कि डॉग्स लैक्टोज के लिए, स्पेशली जो लैक्टोज है उसके लिए इनटॉलरेंट होते हैं, उनको लैक्टोज डाइजेशन नहीं होता है। तो मैं आपको साइंटिफिकली बता दूं कि लैक्टोज जो है एक एंजाइम होता है, वो लैक्टेज रहता है, लैक्टेज की एक्टिविटी से डाइजेस्ट होता है, फिर उसका एब्जॉर्प्शन होता है, कन्वर्शन होता है। तो लैक्टेज एंजाइम जब पपीहुड रहता है, जब तक वो माँ से दूध पी रहा होता है, उसकी एक्टिविटी बहुत प्रॉपर रहती है पप्स को। जब आप उसकी माँ को फीडिंग से जब हटाएंगे, तो धीरे धीरे लैक्टेज का जो एक्टिविटी है, जब एडल्टहुड आता है डॉग्स में, तो लैक्टेज एक्टिविटी खत्म नहीं होती है, कम हो जाती है, सिर्फ जी कम हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि खत्म नहीं हो जाती है। जो लोग डराते हैं कि एकदम से उसको दूध डाइजेस्ट नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत है। आप अगर आप उसे दूध पे रखेंगे तो ऐसी बात नहीं है कि उसको समस्या आएगी, लेकिन उसका एक फिक्स अमाउंट तक वो डाइजेस्ट कर सकता है। अगर ज़्यादा आप दूध देंगे तो उसको लैक्टोज इंटॉलरेंस होगा, उसको डायरिया की समस्याएं आएगी, और उसको वो लैक्टोज डाइजेस्ट नहीं होगा।
तो आप अगर ये सवाल है तो आप व्यूअर्स के दिमाग में जरूर आ रहा होगा कि कितना हम दूध पिलाएं, जो कि हमारा डॉग जो है वो डाइजेस्ट कर सकता है, कितना टॉलरेट कर सकता है एक दिन में। तो जो रिकमेंडेड है वो 2 ग्राम पर केजी लैक्टोज को एक डॉग टॉलरेट कर सकता है, यानी कि आपका डॉग एडल्ट है और वो 10 किलो का है तो 20 ग्राम लैक्टोज को बड़े आराम से डाइजेस्ट कर सकता है, उसमें डिजॉर्डर्स नहीं आएंगे, इनडाइजेशन की समस्याएं नहीं आएंगी। अब समस्या आती है कि 20 ग्राम लैक्टोज कैसे हमें पता चलेगा कि किसमें 20 ग्राम लैक्टोज है, कितने दूध में है। तो सिंपल सी मैथमेटिक्स है कि अगर एक काऊ का मिल्क है तो इसमें 4 से 5% लैक्टोज रहता है काऊ मिल्क में, जी और 4 से 5% का मतलब होता है कि 40 mg, जो भी परसेंट है हम लोग मैथमेटिकली सिंपली बता देते हैं कि 40 mg 1 ml में है, 1 ml में 40 mg है, 4% अगर हम मान लें तो 40 mg 1 ml में है, यानी कि अगर आप 100 ml पिलाएंगे तो 4 ग्राम जी उसमें लैक्टोज रहेगा, 100 ml मिल्क में 4 ग्राम लैक्टोज कैलकुलेट अगर आप करेंगे तो 100 ml मिल्क में 4 ग्राम लैक्टोज आएगा। और मैं कह रहा था कि 10 किलो के एडल्ट को आप 20 ग्राम तक लैक्टोज दे सकते हैं, यानी कि 500 ml तक मिल्क आप पूरे दिन में आधा लीटर दूध अगर उसको पिलाते हैं तो उसमें कोई समस्या नहीं आनी है। अगर वो 40 किलो का है तो 1 लीटर तक दूध को वो बड़े आसानी से डाइजेस्ट पूरे दिन में कर सकता है, तो इतने में उसको समस्या नहीं आएगी। तो लैक्टोज से ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ कुछ जो होते हैं डॉग जिनमें लैक्टोज इंटॉलरेंस बचपन से वो जेनेटिक है, तो उनको अगर थोड़ा भी दूध देंगे तो उनमें वो समस्या आएगी। एक चम्मच भी देने से समस्याएं आती है, जो हमारे भी बच्चों में होता है, वो उसको एक चम्मच भी दूध उसको डाइजेस्ट नहीं होता है, वो उल्टी कर देता है या उसके अगेंस्ट में रिएक्शन होता है। तो ऐसी अगर समस्या रहे तो उसको लैक्टोज देने की जरूरत नहीं है, दूध देने की जरूरत नहीं है। या कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं जब उसका पेट खराब चल रहा हो, जब जी उसके इंटेस्टाइन में लैक्टेज इंजाइम ही नहीं बन रहा हो, जब पेट खराब रहेगा तो वाजिब सी बात है कि लैक्टेज की एक्टिविटी कम हो जाएगी, तो उन कंडीशन में दूध बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। जब तक कि वो स्वस्थ ना हो जाए तब तक दूध उसे नहीं देना है। लेकिन ये जो दिमाग में है कि दूध हमें नहीं पिलाना है डॉग को, बिल्कुल नहीं पिलाना है, ये गलत है। आप डॉग को दूध पिला सकते हैं। जी विनीत जी, डॉक्टर साहब, दूध से जो दूसरे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें दही है, छाछ है, जिसको मट्ठा भी कहते हैं, जिसमें पनीर है, जी उस जी पे क्या बताएंगे? देखिए दूध में ये जो प्रोसेस्ड प्रोडक्ट है तो इसमें लैक्टोज की जरूरत नहीं रहती, ये कन्वर्ट हो जाता है, जैसे दही है तो लैक्टिक एसिड में बदल जाएगा, वो फर्मेंट हो गया ना तो प्रोसेसिंग हो जाती है, तो दही के लिए तो वो डाइजेस्टिबिलिटी की समस्या ही नहीं है, पनीर के लिए वो डाइजेस्टिबिलिटी की समस्या ही नहीं। हम फ्रेश दूध की बात कर रहे थे, उसमें भी अगर आप हो सके तो दूध में, अगर जैसे भैंस का लोग दूध पिलाते हैं तो उसमें फैट ज़्यादा रहता है, और मैंने बताया था कि डॉग को फैट डाइजेस्ट नहीं होता है, तो आप चाहें तो उसमें पानी मिला लीजिए या उसका फैट निकाल दीजिए। छाछ जो है वो सबसे बढ़िया है, छाछ जो होता है वो अच्छा बेस्ट है, क्योंकि उसमें लैक्टोज इंटॉलरेंस की भी समस्या उस डॉग को नहीं आनी है, और साथ ही साथ उसमें से फैट भी निकाल लिया गया है, तो उसके पेट के लिए बेस्ट है। दही आप खिला सकते हैं, और बिल्लियों को खासकर देखिए, तो मैंने जैसे कहा था कि कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में प्रॉब्लम आता है, तो दही बिल्लियों को पसंद ज़्यादा होता है, दूध कम होता है। आपने ध्यान देखा होगा कि बिल्लियाँ दही ज़्यादा खाती हैं, दूध कम खाती हैं। जी, बिल्लियां तो घर में डॉक्टर साहब घुसती हैं तो दूध पहले पी जाती हैं, शायद दही घरों में होता नहीं है इसलिए हमें पता नहीं है। तो डॉक्टर साहब, एक इस अगर एज अ पेट पेरेंट, अब मेरा अगला सवाल ये है कि मेरे पास जो डॉग है, या जो पहले डॉग की बात करें अगर, तो मुझे उसे दिन में शायद कनेक्शन कट गया है डॉक्टर साहब के साथ, डॉक्टर साहब जुड़ेंगे अभी। अगर आप लोगों के पास, जो लोग देख रहे हैं, अगर आपके पास कोई सवाल हो, अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप जरूर डालिएगा, ताकि हम सवाल पूछ सके डॉक्टर साहब से। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके हम वो सारे पॉइंट्स टच कर पाए। मैं अगला सवाल डॉक्टर साहब से पूछने जा रहा था कि डॉक्टर साहब, शायद कुछ टेक्निकल एरर आ गया था, हम लोग आप डिस्कनेक्ट हो गए थे, अभी आवाज आ रहा जी आपको? जी जी, जी बताएं बीरेन जी। तो मैं था कि एज अ जो भी डॉग ओनर्स हैं, अगर उनकी बात करें पहले, बाद में बिल्लियों की बात करेंगे, तो उनको दिन में कितनी बार खिलाना चाहिए, कितना खिलाना चाहिए, और एक अगर हम हफ्ते का शेड्यूल आप मोटा मोटा कहें कि जिसमें आप जैसे मिल्क है, नॉन वेज है, और एग,
चिकन है, और उसको बैलेंस रखे, साथ में ये ध्यान रखते हुए कि लोग जो है प्रोसेस्ड फूड, ऑफकोर्स जो पेडिग्री है, मैं नाम ऐसे ले रहा हूँ, बेसिकली जो भी प्रोसेस्ड फूड है उनको जो वो खिलाते हैं, तो कैसे खिलाएं, कितना खिलाएं, इस पे जरा कुछ बताएं। जी बिल्कुल सही पूछा आपने। डॉग्स जो है दिन में 1 से 3 मील लेते हैं, यानी कि किसी डॉग को आप 3 मील तक दे सकते हैं। आप चाहें तो डॉग को 1 मील पे भी रख सकते हैं, यानी दिन में 24 घंटे में सिर्फ एक बार भी खाना दे सकते हैं। बेस्ट ये होता है कि जब एडल्ट एडल्ट डॉग रहता है तो दिन में 2 बार उसे खाना ऑफर किया जाना चाहिए, बट टाइमिंग एकदम फिक्स होनी चाहिए। डॉग्स के साथ विशेष ध्यान देना चाहिए कि उसका टाइमिंग जो है उसी टाइम पे उसको खाना मिलना चाहिए, तो बड़े आसानी से खाना खाता है और फिर वो हेल्दी रहता है, एक्टिव रहता है। बार बार उसको देने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे साथ जब कंपेनियन है, जब हम कुछ नाश्ता कर रहे होते हैं तो उसको भी लगता है कि जी इसको भी थोड़ा सा ऑफर कर दें, क्योंकि वो बेचारा जी देख रहा होता है। तो हम बीइंग एज ए ह्यूमन, हम लोगों की मानवता थोड़ा उस समय आ जाती है। तो आप उसे एज ए ट्रीट भी दे सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो ट्रीट होते हैं, जब हम लोग नाश्ता या कुछ खा रहे हैं तब उसको अगर कुछ देना है, तो उसके डाइट का 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो उसको पूरे दिन जी में आपको डाइट देना है उसका, उससे 15% से ज़्यादा वो ट्रीट नहीं होना चाहिए। इसी तरह से जैसे आप कह रहे थे कि प्रोसेस्ड फूड और क्या आप बदल बदल के खिलाना चाहिए, कभी भी आप कंपेनियन एनिमल को अगर आप रख रहे हैं तो सिंगल सोर्स का डाइट नहीं होना चाहिए। एक ही चीज़ को बार बार उसे नहीं खिलाना है। अगर आप होममेड डाइट या होम कुक डाइट बना रहे हैं तो एक ही चीज़ बार बार खिलाएंगे तो मोनोटोनस होगा और उसमें डिफिशियंसी और माल न्यूट्रिशन की समस्याएं आने लगेंगी। खास करके अगर आप जो मार्केट में अवेलेबल फूड्स हैं उनकी बात करें, कुछ लोग सिर्फ उसी पे रखते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपका कंपेनियन एनिमल है तो आप जिस तरह से रह रहे हैं, आप जो चीज़ें खाते हैं, जो मैंने कहा जो नहीं खिलाना है वो उनको छोड़ करके बाकी आप अपनी चीज़ों को उसे खिलाएंगे तो आपके साथ वो ज़्यादा लॉन्गिविटी उसकी बढ़ जाएगी, वो जिंदा ज़्यादा दिन तक रहेगा और स्वस्थ भी ज़्यादा रहेगा। क्योंकि मुझे जहाँ तक, हम लोग आजकल एक समस्या से बड़ी जूझ रहे हैं कि डॉग्स में बड़े कम उम्र में किडनी खराब होने की समस्याएं बहुत ज़्यादा आ रही हैं, और ऐसा देखने को मिलता है कि हमारे हॉस्पिटल में भी या हमारे क्लिनिक जो कॉलेज का हॉस्पिटल है या तमाम, मैं अपने दोस्तों से भी पूछता हूँ, हर जगह पे डॉग्स को 3 साल के 4 साल के अंदर किडनी क्यों खराब हो रही है, ये बड़ा ही मतलब कि कष्टकारी सवाल है। इसका अब तक जवाब हम लोगों को नहीं मिला है, और हम ये बात वेल वैलिड है कि अगर आप अच्छे क्वालिटी का मतलब नेचुरल ओरिजिन का प्रोटीन नहीं खिलाएंगे तो किडनी उसका ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। और मैं कहने किसी को क्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं या कंपनियाँ जो बनाती हैं, जो सिंथेटिक प्रोटीन अगर डालती हैं तो वो एक कारण, पॉसिबल कारण हो सकता है जिसके चलते आजकल डॉग्स की किडनी ज़्यादा जल्दी खराब हो जाती है। 6 7 7 साल के अंदर उनकी किडनी खराब हो जाती है और फिर बेचारे वो अपने पेरेंट्स को छोड़ के चले जाते हैं। तो मैं कहूँगा कि आप बैलेंस्ड होम मेड डाइट खिलाएं और आप किसी वेट न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट करें, वो आपके एज ग्रुप के अनुसार से आपको डाइट बताएगा। और दिन में जैसे मैंने ऑफर करने के लिए कहा, आप 3 बार तक ऑफर कर सकते हैं। कैट्स की अगर बात करें तो कैट्स बड़ी थोड़ा थोड़ा कई बार में खाती हैं, इनको कम से कम 17 से 18 बार तक ये खाना खाती हैं, तो जी ये विशेष ध्यान रखती हैं, ये कई चीज़ों से खाने को छोड़ देती हैं। पहला तो एक, इनके पास कोई आदमी खड़ा नहीं होना चाहिए, अगर रहेगा तो खाना नहीं खाएं। दूसरी, कैट रहेगी तो खाना नहीं रिफ्यूज करती हैं, लाइट जलता रहेगा तो खाना रिफ्यूज करती हैं, थोड़ा थोड़ा करके खाती हैं, तो इन सारे नॉइज होगा तो खाना रिफ्यूज कर देती हैं। ये कैट के खाने का हैबिट अलग है और डॉग के खाने का हैबिट अलग है, तो कैट को मल्टीपल टाइम देना पड़ेगा और डॉग्स को आप 2 से 3 बार दे सकते हैं। जी विनीत जी, जी डॉक्टर साहब, एक और सवाल है कि जैसे हम जो अपने पेट्स को खाना खिलाते हैं और उसके बाद से अगर जैसे अगर उनका कोई माल न्यूट्रिशन है, सपोज उनको कुछ चीजें नहीं खिला रहे हैं, आपने मैं अगर अब कंप्लीट जो टेकआउट है जो पिछले 5 मिनट में हमने बात की उसमें ये लिखा कि जैसे अगर आप वेजिटेरियन हैं और आपके पास अगर पेट है, डॉग है, तो आपको उसको न्यूट्रिशन देना पड़ेगा, तो आपको जो भी एक्सटर्नल सोर्सेस हैं आपको मार्केट से उठा निकाल के हफ्ते में कम से कम एक बार उसको आप जो सप्लीमेंट्स हैं विटामिन्स के मिनरल्स के वो आप दीजिए दवाई के फॉर्म में। दूसरा, आपने कहा कि आप उनको उनकी जो डाइट है वो बदल बदल के दीजिए, एक ही खाना मत दीजिए, प्रोसेस्ड फूड पर ही मत रखिए, आप अपने घर का खाना जरूर खिलाइए उनको, सिवाय वो चीजें जो नुकसान करती हैं जो आपने पहले बताया है वीडियो के अंदर, लोग सुन सकते हैं,
कि क्या क्या उनको नहीं देना चाहिए और किस वजह से नहीं देना चाहिए, वो उनको नहीं देना चाहिए। डॉक्टर, मेरा सवाल अब ये है कि कई बार हमने देखा है कि वो कई बार कुछ सिग्नल देते हैं, जैसे कई बार डॉग्स को देखा है हमने दीवार चाटते हुए, मिट्टी खाते हुए। कई बार मैंने पहले भी एक वीडियो में बात किया था, लोगों डॉग्स को देखा है हमने जाके वो फीकल मटेरियल जो होता है, जो पॉटी होता है, वो खाते हुए। तो क्या कई बार घास खाते हुए देखा गया है? तो मैं बेसिकली मैं कई सारे सवाल पूछ गया, अगर आप उसको एक एक करके बता सकें कि क्या इनसे हमें क्या इंडिकेशन मिलता है कि एज अ पेट हम उनको देख के बता सकें उनके बिहेवियर से कि उनको क्या की जरूरत है। जी बिल्कुल सही है। आप अपने बच्चों को भी देखेंगे, डॉग्स को भी देखेंगे, अगर मिट्टी खा रहा है तो वो इंडिकेट करता है कि उसको या तो सबसे बड़ी चीज़ जो है आयरन डिफिशियंसी, हम लोग मानते हैं जो ग्रोइंग पप्स होते हैं वो अगर मिट्टी लीक करते हैं, हमारे भी बच्चे अगर मिट्टी खा रहे हैं, या कैल्शियम और फॉस्फोरस की डिफिशियंसी है, क्योंकि सॉयल में आयरन कंटेंट बहुत ज़्यादा रहता है। और अगर आप वो जिस चीज़ की शरीर को कमी रहती है उस चीज़ जी को वो एनिमल ज़्यादा प्रेफर करके खाने लगता है, तो आपके न्यूट्रिशन में मिसबैलेंस है, कैल्शियम फास्फोरस कम हो सकता है, प्रोटीन कम हो सकता है, या आपके डॉग को आयरन की कमी है इसलिए वो आपका डॉग जो है वो मिट्टी खा रहा है। तो आपको स्पेसिफिकली उस साइड में अगर आप शिफ्ट करेंगे तो आपका वो उसका जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाएगा। इसी तरह से आप एक और कोई सवाल कर रहे थे। अब मैंने पूछा कि मिट्टी खाते हैं कई बार जैसे चूहे खाते हुए दिखते हैं, तो आपने कहा घास फॉस्फोरस और खाते हैं कैल्शियम, और फिर वो पॉटी खाते हैं जैसे कई बार, हमने पहले भी बात की इस बारे में, और उनको हमने घास खाते हुए भी देखा है डॉग्स को, जो सबसे जी। सरप्राइजिंग होता है। ये जो घास खाना है ये इनका नेचुरल ये है, थेरेपी है एक तरह से कह लीजिए। जब अच्छा ये ज़्यादा खाना खा लेते हैं या ओवर ईटिंग कर लेते हैं तो इनका गैस्ट्रिक लोड बढ़ जाता है, गैस्ट्रिक अपसेट हो जाता है, तो घास खा के और फिर ही वोमिट करते हैं, वो इनका एक बिहेवियर है। जब भी ज़्यादा खा लेंगे इनका गैस्ट्रिक अपसेट हो जाएगा, गैस बनने लगेगा, ओवरलोड हो जाएगा, तो ये जाके बाहर घास खाएंगे और उसको वोमिट करके अपने आप को डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, खुद अपने आप को ठीक कर लेते हैं। तो अगर आपका डॉग बार बार घास खा रहा है, कई दिनों से खा रहा है, यानी कि उसके पेट में समस्या है, अगर वो वोमिट कर रहा है, निकल भी नहीं पा रहा, कभी कभी क्या होता है कि ये कपड़े खा लेते हैं, मोजे खा लेते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें खा लेते हैं जो पेट में पड़ा है, तो वो निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए वो जाएगा घास खा के आएगा और वोमिट करना चाहेगा, अगर निकल गया तो वेल, नहीं तो कई दिनों तक ऐसा वो करता रहेगा जब तक कि उसको राहत न मिल जाए। इसी तरह से जब गैस्ट्रिक अपसेट रहेगा तो सिर्फ घास नहीं खाएगा, एक और भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है, अगर जी आप देखेंगे तो चारों पैरों को फैला के पेट को फर्श पे चिपकाता है, जी जब उसके पेट में समस्या रहेगी, या जो बाथरूम है उसमें जाके ठंडे में जाके पेट को चिपका के बैठता है, जहां पे ठंडा भी रहेगा, फर्श ठंडा रहेगा, उसमें अपने पेट को वो चिपका के बैठता है, ये बताता है कि उसके पेट में गैस्ट्रिक अपसेट चल रहा है उसके। आप या तो डॉक्टर से विजिट कीजिए या उसको समस्या है। जी विनीत जी, तो डॉक्टर साहब, इस केस में जैसे अगर आपका डॉग घास खाते हुए दिख रहा है, तो पहले तो उसको खाने देना चाहिए क्योंकि वो अपना इलाज ही कर रहा है, वो अच्छा काम कर रहा है। साथ में हमें क्या करना चाहिए, तो फिर डॉक्टर के पास जाना चाहिए और सलाह लेनी चाहिए, या घर में हमारे पास कोई ऐसी चीज है जो हम उसको दें और वो ठीक हो सकता है? नहीं शुरू में आपको जाने की जरूरत नहीं है, एक बार खाएगा वो वोमिट अगर कर लेगा तो उसका गैस्ट्रिक लोड ठीक हो जाएगा, फिर अगले दिन से वो एक दिन हो सकता है कि अगले दिन खाना ना खाए, उसका पेट एक बार एक दिन के लिए स्वस्थ रखेगा और फिर आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। लेकिन लगातार वो कई दिनों से उल्टी कर रहा है खा खा के और नहीं निकल रहा है, तो एक कंसर्न है, आपको अपने वेट से मिलना चाहिए और वहां जाकर के उनको दिखाना चाहिए, क्योंकि जैसे मैं कह रहा था कपड़े या मोजे इस तरह की कोई चीजें खा ली होगा तो वो निकल नहीं पाती हैं। ये विनीत जी, जी ठीक है डॉक्टर साहब, मोटा मोटा हमने ये सीरीज में डाइट और न्यूट्रिशन के बारे में लगभग जितनी हमारी समझ के हिसाब से हमने काफी बात की है। अगर आपको लगता है कुछ छूट गई है तो आप जरूर बता दीजिएगा, उसके बाद हम लोग कुछ सवाल लेंगे जो हमने कल लोगों से कहा था पूछने के लिए, क्योंकि हम आज ये डाइट पे न्यूट्रिशन पे बात करेंगे, तो लोगों ने हमें कुछ सवाल भेजे हैं तो हम उन सवालों को लेंगे। उसके बाद डॉक्टर साहब, हम लोगों ने कल एक लाइव किया था जिसमें हमने वैक्सीनेशन के ऊपर बात की थी, तो उसपे भी हमें कुछ दो तीन सवाल आए जो हमें लगे जिसका हमें जवाब देना चाहिए, हम उस पर एक बार बात करेंगे। तो अगर मुझसे कुछ अपने से छूट गया है डॉक्टर साहब, तो आप वो एक बार अपनी तरफ से जरूर बता दीजिए। मुझे लगता है कि पेट ओनर्स के लिए मैंने लगभग सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की है, और भी तमाम चीज़ें हैं, मतलब ये तो साइंस है बहुत बड़ा है, तो उन सब चीज़ों को भी डिस्कस कर किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे जो हम डूज एंड डोंट बताए हैं उसका विशेष ध्यान रखें तो आपका पेट हेल्दी रहेगा और उसकी लाइफ लंबी रहेगी। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं अब सवाल लूंगा। एक सवाल आया है हमारे पास, कल किसी ने हमें फेसबुक पे लिखा
वो लिखा है सुसीम साहू ने लिखा था। उन्होंने लिखा उनके पास एक लैब है, 17 मंथ्स का है, और वो खाना तभी खाता है जब उनकी वाइफ अपने हाथ से खिलाती है। तो ये एक प्रॉब्लम है डॉक्टर, जो हमने देखा है, मैंने भी बचपन से देखा है। और जब कई बार डॉग्स होते हैं वो इस तरह से कंडीशन हो जाते हैं कि शायद वो जब तक उनके जो पेट पेरेंट्स होते हैं वो अगर नहीं खिलाते हैं तो वो नहीं खाते हैं। इसमें जी उनकी बिल्कुल क्या सही कहा करना चाहिए हमें कि वो खाने लगे। जी, विनीत जी बिल्कुल सही सवाल है। मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि मेरे पास भी एक रिट्रीवर, गोल्डन रिट्रीवर है, और उसको माता जी अपने हाथों में उसका बाउल उठा ना ले तब तक तो वो खाना खाता नहीं, सिर्फ नीचे अगर आपने खाना रख दिया तो नहीं खाने वाला है। तो जी ये एक बड़ा ही बिहेवियरल प्रॉब्लम है उनको, उनको लगता है कि हमारा केयर किया जा रहा है, हमारे साथ प्यार इनको ज्यादा है। तो एक बार जो हैबिट हो जाती है वो तो मुश्किल से ही छोड़ते हैं, लेकिन इसका एक तरीका है कि आप अगर उसका ये हैबिट छुड़ाना चाहते हैं, आप परेशान हो रहे हैं, तो आप उसका जो फेवरेट चीज़ है, जो बहुत ही पसंद है, उसको आप उसके खाने के लिए ऑफर कीजिए बिना खिलाए अपने हाथों से, तो वो खा लेगा। एक दो बार खाएगा तो फिर उसको लगने लगेगा कि मुझे ऐसे ही खाना चाहिए। और दूसरा विशेष ध्यान इस चीज़ को देने की है कि उसका टाइमिंग एकदम फिक्स होना चाहिए खाने का। जब वो खाना खाता है उसी टाइम पे उसको खाना ऑफर कीजिए, तो उस समय उसको इमिडिएट बहुत तेज से भूख आता है। इन लोग जैसे हम लोग एक एक्सपेरिमेंट भी हुआ था बेल बजा करके, फिर वो डॉग पे एक एक्सपेरिमेंट था, जैसे घंटी बजती तो वो स्टिमुलस आता है, उसको भूख लगेगा तो वो खाएगा ही खाएगा। तो टाइम फिक्स रखिए और उसका फेवरेट चीज बार बार दीजिए, और थोड़ा दूर आप अपने आप को दूर रखिए, तो इस वाइसेस से आप उससे बच सकते हैं। जी विनय जी तो ये डॉक्टर साहब, अगर आपकी बात से मुझे लगा कि ये मेडिकल कंडीशन नहीं है, ये बिहेवियरल कंडीशन है। ये बेसिकली जो पेट, जो ओनर्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, ये उनकी गलतियां हैं कह सकते हैं आप, या उनका लाड़ प्यार दुलार है जिसमें उन्होंने उसको बिगाड़ रखा है। तो उसका जवाब भी उनके पास ही है, आपको ही उसको छोड़ना है। जी डॉक्टर साहब, अगला सवाल है जो थोड़ा सीरियस सवाल है। एक हमारे व्यूअर हैं गजेंद्र सिंह चौहान, उन्होंने पूछा है व्हाट टाइप ऑफ फूड वी कैन प्रिफर ड्यूरिंग एंड आफ्टर रिकवरी ऑफ पार्वो वैक्सीन। हम कल उन्होंने वैक्सीन की बात की थी, में उससे उनका जुड़ा हुआ सवाल है, लेकिन सवाल जो है वो फूड से जुड़ा हुआ है। बेसिकली वो पूछ रहे हैं कि पार्वो वैक्सीन के केस में पहले और बाद क्या खिलाना चाहिए। मुझे लगता है कि उन्होंने इस तरह का सवाल शायद नहीं पूछा हो। पार्वो वायरस इन्फेक्शन के समय में पूछ सकते हैं, वैक्सीन के टाइम पे तो स्पेशल डाइट की कोई जरूरत नहीं है। जी उन्होंने पूछा, उन्होंने एक फॉलो अप क्वेश्चन भी लिखा है ऑल दो डॉग इज ऑफ फीड ड्यूरिंग द पार्वो इन्फेक्शन, स्टिल वी आर ट्राइंग टू फीड, सो व्हाट वी कैन ऑफर। हाँ, ये वैलिड सवाल है कि जब पारोवायरस इन्फेक्शन ऐसा है जिसमें उल्टी होती है और दस्त आता है, उसमें खून रहता है, ये इसके लक्षण होते हैं, उस समय में पप्स या जो भी डॉग इन्फेक्टेड होते हैं वो खाना नहीं खाते हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया कि मिल्क बिल्कुल नहीं देना है। एज ए सेट रूल हम लोग ऐसा जो रिकमेंड करते हैं, जब पारोवायरस डे फर्स्ट पे रहता है तो उसका जब इलाज करते हैं तो 24 आवर के लिए एटलीस्ट उसका फूड एंड वाटर दोनों होल्ड करके रखते हैं, उसको फूड एंड वाटर ऑफर करते ही नहीं है। अगर आप ऑफर करेंगे तो वोमिट करेगा, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि तब तक होल्ड करके रखना है जब तक कि वोमिटिंग बंद ना हो जाए। तो आपको 24 घंटे के लिए उसको खाना नहीं देना है, और पारेंटरल मतलब जो हम फ्लूइड से उसको एनर्जी देते हैं उस पर रखना है 24 घंटे तक। उसके बाद से 24 घंटे के बाद आप उसे वाटर थोड़ा थोड़ा करके ऑफर कर सकते हैं। ये बेहतर ये है कि आइस का क्यूब ऑफर करें बर्फ जी चाटने के लिए दिए, क्योंकि ज़्यादा पानी अगर वो पिएगा तो फिर से वोमिट करेगा। तो गजेंद्र जी को मैं सलाह दूंगा कि उनको फूड एंड वाटर 24 घंटे तक होल्ड करना चाहिए, और मिल्क बिल्कुल नहीं देना चाहिए। जो इजीली डाइजेस्टेबल चीज़ें हैं जैसे आप बता रहे थे, कर्ड हो गया, पनीर हो गया, छेने वाला रसगुल्ला हो गया, मिठाई की मैं बात कर रहा हूँ, एक दो दिन के लिए आप इस समय में मीठा दे देंगे तो कोई समस्या नहीं आती है, आइसक्रीम हो गया, ये सारी चीज़ें, या बॉयल किया हुआ आलू हो गया, ये सारी चीज़ें आप पार्वो के इन्फेक्शन में आप जब वो लेने लायक हो जाता है, वोमिट करना बंद कर देता है, तो आप उसे ऑफर कर सकते हैं। जी विनीत जी डॉक्टर साहब, एक सवाल और आया था जो बहुत कॉमन सवाल है, कृतिका ने पूछा है। उन्होंने पूछा है क्या डॉग्स को ग्लूकोज बिस्किट दे सकते हैं, क्या जो बिस्किट हम खाते रहते हैं, जैसे जो बिस्कुट खाते हैं तमाम, कोकोनट बिस्किट वगैरह, तो वो हम दे सकते हैं क्या। जी, मैंने आपको पहले भी बताया है कि ज़्यादा आप मतलब कि रोज़ आप ग्लूकोज बिस्किट 10-10 उसे खिलाएंगे तो उसमें ग्लूकोज ज़्यादा है, यानी कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है,
जब कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है तो एक तरह से आप उसे रोज एक रसगुल्ला खिला रहे हैं, जी तो आप कम में एक दो बिस्किट खिला सकते हैं। नहीं, ये नहीं होना चाहिए कि दिन भर मैं उस ग्लूकोज बिस्किट पे ही उसको रखूं, तो उसमें सिर्फ जो ग्लूकोन कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है वो उसको समस्या कर सकता है, जिसके चलते उसको स्किन प्रॉब्लम होने की समस्या रहेगी। तो सिर्फ उसको सिर्फ उसी बिस्किट पे ना रखें, थोड़ा सा एक दो बिस्किट देते हैं तो उससे कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। जी डॉक्टर भैया, आपकी जो जवाब से मुझे एक चीज आ रहा दिमाग में कि जो ऐसे बहुत लोगों को हमने देखा है जो बहुत ही अच्छी भावना के साथ बाजार से ये ग्लूकोज बिस्किट के पैकेट्स खरीद के स्ट्रे डॉग्स को खिलाते हुए देखे जाते हैं मार्केट में, बाजार में रोज आते हैं। लड़के लड़कियों को मैंने देखा है जब वो जाके उनको बिस्किट खिलाते हैं, रोज खिलाते हैं। तो शायद उन्हें भी अगर ये वीडियो देख रहे हो तो उन्हें भी ये सीखना चाहिए कि शायद उन्हें कुछ और देना चाहिए, कुछ ज्यादा प्रोटीन रिच और ऐसा फूड देना चाहिए जो उनके बॉडी के हिसाब से, डॉग्स के हिसाब से ज्यादा उनके लिए फेवरेबल हो। जी डॉक्टर साहब, फूड को लेके हमारे पास यही सवाल था। हो सकता है कि आज हमें और सवाल मिले जो हम शायद कल अपने सब उसमें लेंगे, लाइव में ले लेंगे, नेक्स्ट लाइव में ले लेंगे। अब हमारे पास कुछ सवाल है डॉक्टर साहब, जो हमने कल वीडियो किया था जिसमें हमने वैक्सीनेशन की बात की थी, जी वैक्सीनेशन को लेकर कुछ है, जिसमें पहला सवाल मैं पूछ रहा हूँ जिसमें है संतोष कुमार जी है, उन्होंने पूछा है कि मेरी फीमेल जो डॉग है, माय डॉग 6 months ओल्ड, रिसेंटली रिकवर्ड फ्रॉम पार्वो, व्हेन आई शुड गिव द वैक्सीनेशन। देखिए, उनके डॉग को रिसेंटली रिकवर हुई है, पार्वो हो गया है, तो एक तरह से ओरिजिनल उसमें वायरस आया, उसने खुद को एंटीबॉडी बनाया होगा और वो एंटीबॉडी तगड़ा है, तो उसको दोबारा पार्वो तो होने की संभावना नहीं है, अगर बाहर से कोई इम्यूनो सप्रेसेंट दवाएं ना दी गई हो तो। उसे बेहतर ये है कि वो 10 से 15 दिन और वेट कर लें। अगर उसको 6 महीने की है तो मुझे लगता है उसे वैक्सीन तो लगा होगा, अगर उन्होंने 2 महीने पर स्टार्ट किया होगा तो उसको वैक्सीन देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर वैक्सीन उसको पप्पीहुड में लगा था उसके बाद भी पार्वो हुआ है, तो एक वैक्सीनेशन फेल्योर का केस हो सकता है। यानी कि वैक्सीनेशन फेल्योर हम लोग ये कहते हैं, कल हमें बताना भी रह गया था कि वैक्सीन लगाने का मतलब ये नहीं है कि जे उसको बीमारी नहीं होगी। जी वैक्सीन अगर आप लगाएंगे तो हो सकता है कि माइल्ड बीमार हो जाए या बीमारी ना भी हो, लेकिन एक वैक्सीनेशन फेल्योर एक चीज़ होती है जिसमें वैक्सीन ने बिल्कुल काम नहीं किया, उसमें वो जो बीमारी आएगी पूरे के पूरे उसके लक्षण के साथ आएगी और जानलेवा भी हो सकती है। तो ये वैक्सीनेशन फेलियर का सबसे बड़ा कारण जो है वो कोल्ड चेन मेंटेनेंस है। जो वैक्सीन है वो मार्केट में जो अवेलेबल रहती है, हम लोगों को ऐसा लगता है कि मतलब कि बहुत ही अजीब सी भी कहानी है, जो पेट शॉप है या जहाँ भी शॉप है वहाँ पे वो जी बेचने वाले क्या करते हैं कि ऐसे उसको ब्रीफकेस में लेके आते हैं जी और अपने घर ला के उसको फ्रिज में रखेंगे, या जब आपको जब दे रहे होंगे तो उसमें बर्फ में डाल के देते हैं कि मैंने इसे ठंडा कर दिया तब दिया। ये बिल्कुल कंसेप्ट गलत है। सिंस द मैन्युफैक्चरिंग, जब से वो वैक्सीन बनी है तब से, जब तक कि वो यूज होने के लिए ओपन ना हो तब तक वो कोल्ड चेन में ही रहनी है। उसे ठंडा करके देने से उसका कोई असर नहीं होगा, खास करके अगर जो लाइव एटेन्यूएटेड वायरस हैं, जो पार्वो होता है, ये कनाइन डिस्टेम्पर होता है, जैसे ही इनका कोल्ड चेन ब्रेक होता है इनकी एंटीजेनिसिटी खत्म हो जाती है, चले जाते हैं, फिर वो प्रोटेक्शन देगा ही नहीं। जी, तो आप कह रहे डॉक्टर साहब उनको 15 दिन रुकना चाहिए, उसके बाद शायद उनको इंजेक्शन की बात है। ठीक है डॉक्टर साहब, दूसरा सवाल है, विकास पांडे ने पूछा है, उनका सवाल है कि माई डॉग इज 40 डेज प्रेग्नेंट, इज देयर एनी वैक्सीन रिक्वायर्ड। अगर उनकी डॉगी फीमेल प्रेग्नेंट है और 40 डेज की है, तो कल मैं बता रहा था कि एडवांस प्रेगनेंसी इसको कहते हैं, उसके 62 दिन की इनकी प्रेगनेंसी रहती है, 62 डेज की, यानी कि 40 डेज ऑलरेडी हो चुका है, तो सिर्फ 22 डेज रह गया है, वो एडवांस प्रेगनेंसी में है, उसको अभी वैक्सीनेशन कराने से अवॉइड करना चाहिए, उसको वैक्सीन लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसको पहले जो पप्पीहुड में उसको वैक्सीन लगा होगा वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा होगा, और आप वेट कर सकते हैं उसकी जब बर्थ हो जाए, बेबी का बर्थ हो जाता है, पप का बर्थ हो जाता है, उसके 10-15 दिन के बाद आप वैक्सीन लगा सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, एक और क्वेश्चन है, जबलपुर से एमपी से किसी ने पूछा है, मधुवंती जी हैं, और इस बार में हमने कल भी बात की थी, फिर हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। उनका सवाल है कि मेरे पास दो फीमेल डॉग्स हैं, उनका जो वैक्सीनेशन का जो बूस्टर है वो लॉकडाउन की वजह से वो नहीं करा पा रही हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए, वो परेशान है।
जी देखिए, मैंने कल भी आपको बताया था कि फर्स्ट अगर वैक्सीन लगा है, फर्स्ट बूस्टर नहीं लगा है, तो वो डेंजर में ज़्यादा रहता है, क्योंकि उससे मदर से जो इम्यूनिटी आई है वो भी प्रोटेक्ट उसके एग्जॉस्ट हो जाती है। कल मैं समझा रहा था इसी चीज़ को, तो वो अभी रिस्की है, रिस्क पे तो है अगर वैक्सीन नहीं लगता है। आगे से जब लॉकडाउन खुलता है, उनको जब मौका मिलता है, तो फिर से वैक्सीनेशन को रीस्टार्ट करें। कभी भी उसको एक वैक्सीन लगा करके, खास करके जो 5-in-1 की हम लोग बात करते हैं, कभी भी एक वैक्सीन लगा के छोड़ा नहीं जाता है, उसका बूस्टर लगना ही चाहिए। वैक्सीन नहीं लगने से ज़्यादा खतरनाक सिर्फ एक वैक्सीन लगना होता है, विनीत जी मैं बता दूँ। इसलिए अगर सिर्फ एक वैक्सीन लगा है, अगर एक बूस्टर लग गया है, तो ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक डॉक्टर्स हैं वो दो बूस्टर लगाते हैं, तो एक बूस्टर लगा है तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर उनका डिले और ज़्यादा होता है, अभी लॉकडाउन हमें लगता है 21 दिन का ही हुआ है, जी हम 21 से 28 दिन के बाद बूस्टर लगाते हैं, अगर उनका ड्यू चल रहा है, अगर और भी कुछ ऐसी समस्या आती है कि वो उनका 1 महीने से ज़्यादा का गैप हो जाता है बूस्टर में, तो एक बूस्टर एक्स्ट्रा लगवाएं तो उसको फिर से प्रोटेक्शन मिल जाएगा। जी विनीत जी, तो डबल बूस्टर लगवा लें तो वो काम हो जाएगा उनका। जी डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल लेंगे हम इस कड़ी का। ये कल के ही वैक्सीनेशन के ऊपर है ये सवाल है। मेरे हमनाम है विनीत कुमार, उन्होंने पूछा है। उनका सवाल है, उनके पास 7 डॉग्स थे और सातों डॉग्स को वो वैक्सीनेशन कराते थे, अब वो वैक्सीनेशन नहीं कराते हैं। उसकी वजह क्या है कि 4 डॉग्स उनके वैक्सीनेशन होने के 4 दिन के अंदर उनकी डेथ हो गई थी। तो वो पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा, और मेरा तब से उनका भरोसा उठ गया वैक्सीनेशन से, अब वो वैक्सीनेशन नहीं कराते हैं। तो उनको आप क्या कहेंगे, पहले तो वो क्यों हुआ और उनको क्या वैक्सीनेशन नहीं कराना चाहिए? नहीं ऐसा नहीं है। अब मैं उनके सिचुएशन को समझ नहीं पा रहा हूँ, बट ये हो सकता है कि एक ही पेरेंट्स, मतलब उनके मदर फादर एक ही रहे हों, उन्हीं के सारे वो पप्स रहे हों, 4 डॉग रहे हों, उनमें जेनेटिक उस तरह के चेंजेज होंगे जिसके चलते वो एलर्जिक रिएक्शन उसको दे सकते हैं। जैसे मैंने कहा था कि कुछ केसेस में, खास करके रेबीज के लिए या जो किल्ड वैक्सीन है इसके लिए, वो एलर्जिक रिएक्शन कभी कभी आता है, उसमें एनाफिलैक्सिस भी हो सकता है और उसमें डेथ हो जाती है। तो अगर वो एक ही पेरेंट्स से रहेंगे, उनका जेनेटिक मेकअप एक जैसा होगा, तो उस बार लकली, ऐसा अनफॉर्चुनेटली आप कह लीजिए कि ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ होगा कि चारों की डेथ हो गई होगी, बट इसको एक टैबू नहीं लेना है कि वैक्सीनेशन कराने से उनकी डेथ हो जाती है। हर किसी को, मतलब कि ये लाखों में एक आध कंडीशन ऐसा होता है, बट उनके साथ 4 के साथ हुआ है, तो पॉसिबिलिटी ये है कि वो एक ही पेरेंट्स के हों। तो वैक्सीनेशन के चलते बाकी मुझे नहीं लगता है कि ये लगातार सारे की डेथ होगी, क्योंकि हमने आज तक तो कई हजारों के लगाए होंगे और इस तरह की समस्याएं नहीं आती है। ज़्यादा से ज़्यादा इतनी समस्या, अगर एनाफिलेक्टिक रिएक्शन और एलर्जिक रिएक्शन आता है, तो ऑनर हमें जब रिपोर्ट करते हैं, हम उसी समय मैनेज कर लेते हैं और चीज़ें राइड अप हो जाती है, ठीक हो जाता है फिर। जी जी ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। हमने काफ़ी आज इंफॉर्मेटिव बातें की हैं, बहुत सी चीज़ें मुझे पता चली हैं और बहुत सी चीज़ें लोगों को जो देखेंगे उन्हें पता चलेंगी। और थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए, और हम फिर कोशिश करेंगे, हम दोबारा जुड़ेंगे और फिर हम किसी नए सब्जेक्ट पे नए सिरे से बात करेंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। जी धन्यवाद विनीत जी, फिर से हम लोग बिल्कुल जुड़ेंगे, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें इस काम में लगाने के लिए। इस लॉकडाउन में हम लोग भी कुछ कर पा रहे हैं, अच्छी बात है, देश सेवा किसी न किसी तरह से करना चाहिए। जी थैंक यू विनीत डॉक्टर जी, साहब। नमस्कार। जी।